बैम्बू बहुत ऊंचा था और ये इसकी जो जड़ है ना, नीचे दिखाया जरा जड़, जरा बताइएगा किस चीज की जड़ है ये। ये कहीं और था, गिर गया था, इसको उठा के यहाँ ले आया, इसको भी सजा लूंगा कहीं। अच्छा लग रहा है ना, खुश रहो, जीते रहो। मेरे चाहने वाले ने मुझे दो गाय दी थी, उनकी बछड़ियां हैं, उनको बड़े प्यार से पाल रहा हूँ। तुम्हें तेरी अम्मा को और तुम्हें दिल्ली से लाया था अम्मा। अच्छा, अम्मा बोल रही है। ये हमारे दीदी भाई हैं, हमारे दोस्त, उन्होंने दिया था। आज बड़े दिनों बाद एक घर पे गेस्ट आया है, ये देखिए मिली आदमी से। चाय ठंडा है, कुछ कॉफी लेंगे आप जी? कुछ मंगाए आपके लिए? ओके ओके, कुछ तो ले लीजिए। अरे कुछ तो, अरे खा के जाते चले गए। ये चूल्हा, इसमें लकड़ी डाली हमने, पूरी आग पकड़ ली अच्छे से। अब इसका हम लोग डोर बंद करेंगे। और ये इसको ओपन करके जो हिसाब का बर्तन रहेगा वो हिसाब से उसका डाई दिया है, वो डाई के अंदर एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे बैठ गया। ये भी चाय बनेगा, बन रहे छोटू चाय बना रहे हैं। चाय बन गया है, चाय भी रेडी हो चुकी है। कुछ खाना बन जाता है तो इसके अंदर गरम रखने के लिए गरम खाना रहेगा इसके अंदर। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देश में फैल रहे कोरोना वायरस से कई लोग अब तक संक्रमित हुए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है, लेकिन इन कुछ नियमों का पालन करने से हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें, साबुन और बहते पानी से लगातार अपने हाथ धोते रहें, छींकते और खांसते समय रुमाल या टिश्यू से अपना मुंह ढके और फिर उसे किसी बंद डब्बे में फेंक दें। अगर किसी स्थान पर हाथ धोने की सुविधा ना हो तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर को अपने हाथों पर मलें। ऐसे समय में किसी भी तरह के फैट डाइट्स का पालन ना करें, बल्कि अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार का सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। अनावश्यक यात्रा से परहेज रखें, बीमार लोगों से कम 1 मीटर की दूरी रखें।
बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, क्योंकि इनके संक्रमित होने की संभावना सबसे ज्यादा है। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ ना बढ़ाएं, जितना हो सके घर में रहकर काम करें। बिना हाथ धोए अपने आंखों या चेहरे को ना छुएं। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत हो तो किसी के संपर्क में ना आए, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। ऐसे मुश्किल वक्त पर जरूरत है हम सब एक साथ मिलकर एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी निभाएं, ताकि इस वायरस से डरने के बजाय सावधानी और सतर्कता से हम इसे लड़ सकें। सुरक्षा के प्रति हमारा एक कदम कई जिंदगियां बचा सकता है। अगर हर एक नागरिक इन नियमों का पालन करके अपना योगदान दे तो साथ मिलकर यकीनन हम इस खतरे को टाल सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।